नशा माफियाओं पर गुना पुलिस की लगातार कार्यवाही। मृगवास थाना क्षेत्र के ग्राम सानई में कंजरों के डेरों पर दबिश देकर करीबन 800 लीटर लहान एवं शराब निर्माण सामग्री की नष्ट, मौके से हाथ भट्टी से निर्मित 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा जिले में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म किए जाने हेतु जिले में नशे के अवैध कारोबारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाहियां किए जाने हेतु निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देशानुसार गुना पुलिस द्वारा आए दिन नशा माफियाओं पर एक के बाद एक कार्यवाहियां कर उन्हें नेस्त नाबूद किया जा रहा है। इस क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना अनिल कुमार पाटीदार के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी चांचोड़ा दिव्या सिंह राजावत के नेतृत्व में गत दिनांक 19 अगस्त 2023 को जिले के मृगवास थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सानई में कंजरों के डेरों पर दबिश देकर शराब कारोबारी द्वारा अवैध शराब बनाए जाने के लिए मौके पर तैयार रखा हुआ करीबन 800 लीटर लहान एवं निर्माण में उपयोगी अन्य सामग्री को विधिवत नष्ट किए जाने के साथ ही हाथ भट्टी से तैयार ही हुई 80 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2023 को जिले के मृगवास थाना के अंतर्गत ग्राम सानई में कंजरों के डेरों के पीछे नाले किनारे देवराज कंजर के द्वारा अवैध शराब बनाए जाने की सूचना मिलने पर मृगवास सानई चौकी प्रभारी सह उपनिरीक्षक राजेश कुमार रघुवंशी द्वारा हमराह फोर्स के तत्काल ग्राम सानई में कंजरों के डेरों पर दबिश दी गई।